Vardı bayı. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हाँ जी, तो आप जो है गाड़ी पीछे मेरे देख रहे हैं पर्दे में ढकी हुई, एक्चुअली ये कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी है, मैं आपको कैलकुलेशन करने के बाद बताऊंगा कि ये कौन सी गाड़ी है। वैसे आपको ये बता दूं कि 8 लाख में सबसे बेहतरीन गाड़ी है। यहाँ पर हम स्कोर्स की बात कर लें तो अवेलेबिलिटी वाइज होंडा सिटी सबसे अच्छी है, कंडीशन में सबसे अच्छी आपको होंडा सिटी ही मिलेगी, प्राइस वाइज जो गाड़ी सबसे अच्छी मिलेगी वो लियाना मिलेगी, टोकन टैक्स तीनों गाड़ियों का तकरीबन बराबर है, रिलायबल गाड़ी जो इन तीनों में से है वो सबसे ज़्यादा करोला है, इंजन पार्ट्स वाइज सबसे ज़्यादा सस्ती गाड़ी जो है वो सिटी है, बॉडी पार्ट्स वाइज भी करोला और सिटी है, मेंटेनेंस वाइज तीनों गाड़ियाँ तकरीबन बराबर हैं, फ्यूल एवरेज में सबसे ज़्यादा अच्छी जो है इन तीनों में से वो सिटी है, रीसेल वैल्यू भी सबसे ज़्यादा जो है वो करोला की है, रोड ग्रिप वाइज सिटी सबसे अच्छी है, ड्राइव कम्फर्ट जो है वो लियाना का सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब इन सबको टोटल करें तो करोला का बनता है 96 out of 120, सिटी का बनता है 106.5 out of 120 और लियाना का बनता है 90.5 out of 120। और इस तरह जो हमारे पास फाइनली स्कोर्स के हिसाब से विनर आती है गाड़ी वो आती है होंडा सिटी। हाँ जी, तो व्यूअर्स, आप जो अब ये गाड़ी मेरे पीछे देख रहे हैं ये है 2004 मॉडल होंडा सिटी IDSi। तो आइए अब हम इसके वॉक अराउंड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मज़ीद कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको 8 लाख रुपए में मिलेंगे। पहले ही दरवाज़ा खोलते ही आपको जो चीज़ नोटिस करेंगे वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर पावर विंडोज आते हैं जिसमें एक ऑटो है बगैर, 4 जो हैं या 3 जो हैं वो नॉर्मल है। इसके अलावा ये विंडोज़ लॉक मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मिरर एडजस्टमेंट मिल जाती है। इन मिरर, ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है लेकिन इसे आप अंदर बैठे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलता है आपको। उसके अलावा एक नहायत अच्छा एसी मिलेगा। उसके अलावा आपको डुअल ग्लव्स कंपार्टमेंट मिलेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं आप जैसे चाहें आप सीट कवर्स लगवाएं गाड़ी अंदर से। बेशक ये गाड़ियां 10 साल 15 साल पुरानी हैं लेकिन ये गाड़ियां इतनी पुरानी लगती नहीं है। हालांकि ये जो गाड़ी मेरे पास इस टाइम मौजूद है ये कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन की गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर नहायत साफ है। पीछे की जानिब अगर हम आए तो एक बिल्कुल नहायत मुनासिब किस्म की जो है लेग स्पेस आपको मिलती है। बैक सीट पर आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 बंदे बैठे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, 2 कप होल्डर्स, ऐश ट्रे और ये डोम लाइट। बैक की जानिब पर भी इसके अंदर पावर विंडोज आपको मिलती हैं। ये है इस गाड़ी का 1300cc का IDSi इंजन। IDSi का मतलब है इंटेलिजेंस डुअल एंड सिक्वेंशियल इग्निशन। इसमें बेसिकली कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें बेसिक 4 सिलेंडर इंजन है जिसमें 8 स्पार्क प्लग है, 4 पीछे की जानिब है, 4 आगे की जानिब है। अब इस गाड़ी का जो बेसिक मसला है वो गाड़ी का ये है कि आपके जो कॉइल्स हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। वो भी इस तरह नहीं होती, उसके लिए आपको सिर्फ एक एहतियात करनी पड़ती है, ये कि आप जब गाड़ी धुलवाएँ तो गाड़ी के जो इंजन के ऊपर पानी ना मरवाएं, आप सिर्फ हवा मरवा लें तो आप साल में 1 या 2 दफ़ा आप इंजन धुलवाएं तो इसको कोई मसला नहीं होगा। यार बकाया मेरी कोई दुश्मनी नहीं है टोयोटा के साथ और लियाना के साथ, लेकिन बात यह है कि जो ये कार है जो पीछे आप देख रहे हैं होंडा सिटी IDSi, ये एक नहायत मुनासिब किस्म की कार है। करोला जो है, करोला आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि आपको पता है कि करोला रेंट पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो अगर आपने होंडा सिटी ढूंढनी है तो आपको आराम से पार्कव्हील या OLX के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस कार अगर आपको करोला चाहिए 2004-5 की, अव्वल तो बात यह है कि वो आपको तकरीबन 10 लाख के बजट में जाना पड़ेगा, वो 8 लाख में मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी भी तो बहुत हल्की गाड़ी मिलेगी। एक तो यार ये मुल्तान में गर्मी इतनी ज़्यादा, तो मैं बात कर रहा था सुजुकी लियाना की।
तो लियाना के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार बात ये, जब बंदा 8 लाख रुपया लगाए और उसके बाद जब बंदा पहली दफ़ा सर्विस कराने किसी मिस्त्री के पास जाए और उस बंदे को उस गाड़ी की समझ ही ना हो और वो बंदा आपको डिसार्ट करे कि यार इस गाड़ी की मार्केट नहीं है, ये है वो है, तो वो 8 लाख रुपया लगा हुआ दुखता है बंदे को किसी हद तक। उसके अलावा अगर आप लियाना लेने जाते हैं तो लियाना बहुत ज़्यादा, अगर आपको संभली हुई गाड़ी मिलती है तो मैं वो गाड़ी आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, और कम पैसों में आपको अप मॉडल की गाड़ियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन मैं रिकमेंड लेना आपको तब करूँगा जब आपको गाड़ियों की थोड़ी बहुत ही समझ है, तो ताकि अगर कोई छोटा मोटा मसला हो भी सही तो आप उसकी ज़्यादा टेंशन ना ले जाएँ और मिस्त्री आपको रिप ऑफ ना करें। बकाया ये कि लियाना के पार्ट्स एज़ कम्पेयर टू दिस कार बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इस गाड़ी के आप पार्ट्स देखें तो पार्ट्स नहायत सस्ते हैं, इस गाड़ी के नहायत सस्ते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो ब्रेक पैड्स इसके तकरीबन जो हैं वो 3,000 रुपये में चेंज हो जाते हैं। ये इस गाड़ी की जो हेडलाइट है ये आपको 5,000 रुपये की नहीं मिल जाएगी। इसका जो ये साइड मिरर है ये आपको 500 से लेकर 1,000 रुपये का, ये डोर हैंडल 500 रुपये का। इस गाड़ी में अभी रिसेंटली हमने तकरीबन 6 माह पहले न्यू टायर्स डलवाए थे। ये जो टायर्स हैं ये नैन कैंग के हैं, बड़े अच्छे टायर्स हैं, मेड इन ताइवान टायर्स हैं। ये 13 का रिम है। बकाया ये कि जो ओरिजिनल टायर साइज़ होता है उससे थोड़े ये चौड़े हैं, तो ये टायर्स हमें कॉस्ट किए थे तकरीबन 5,000 रुपये का एक टायर, तो यानी कि 20,000 के 4 टायर्स। बकाया इसकी जो बैक लाइट्स हैं वही 4-5 हज़ार रुपये की, जितने की आपको बिलालगंज वगैरह से मिल जाए। बकाया यार इस गाड़ी का सबसे अच्छा फ़ायदा कि 2004 में फिट एरिया के नाम से भी ये गाड़ी आती थी, उसके डोर पैनल्स मिल जाएंगे आपको जिसमें लेदर लगी हुई होती है, ये वाला हिस्सा उसमें क्रोम का होता है, तो वो गाड़ी का आपके पार्ट्स मिल जाएंगे बिलालगंज से। उसके अलावा उसमें स्टेयरिंग वो दूसरा 2006 मॉडल वाला आता था, और मसलन आपको अगर डैशबोर्ड टू ख़राब हो जाता है, कोई भी चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लें, ये वाला आपको फिट एरिया का मिल जाएगा तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का। मसलन पार्ट्स तो इशू ही नहीं है इस गाड़ी के लिए, हर किस्म के पार्ट्स मिल जाते हैं। ये जो गाड़ी, इस गाड़ी में इंजन आता है IDSI इंजन, सेम इंजन आपको तकरीबन 30,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा काबली। उसके अलावा इस गाड़ी का ये फ़ायदा है कि इसका जो हुड है उसके अंदर बोल्ट ऑन जो है वो 1.5 लीटर IDSI इंजन जो कि फिट एरिया के अंदर आता था वो आप स्वैप कर सकते हैं इजीली, कोई भी नॉर्मल मैकेनिक उसको कर सकता है, तो ये गाड़ी हर लिहाज से एक पैकेज है। तो अगर इस होंडा सिटी को हम आज की जो लेटेस्ट 2019 की होंडा सिटी से कंपेयर करें कि इसमें किस किस चीज़ की कमी है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसके डोर मिरर में लाइट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर नए मॉडल में लाइट आती है, इसमें नहीं है। दूसरी चीज़ अगर आप इस चीज़ पर गौर करें इसके गियर्स के लीवर पे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2019 मॉडल में है। बेशक उसका इंजन की टेक्नोलॉजी फ़र्क है लेकिन बेसिक यही है। एसी के कंट्रोल्स की ऑप्शंस देख लें, सेम इसी तरह के आपको मिलेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम तो आप इसमें भी लगवा सकते हैं, उसके अलावा उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। उसके अलावा इसमें जो है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ अप एंड डाउन वाली है, नई होंडा सिटी में भी यही वाली है। इस गाड़ी में जो सबसे अच्छी बात आपको मिलती है वो ये है कि इसकी ट्रंक जो है वो नहायत ही एक बड़े साइज़ की ट्रंक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रंक नहीं है, पूरे का पूरा कमरा है। इसका ये जो गत्ता है ये थोड़ा डैमेज हुआ हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा स्पेयर व्हील है, टूल किट वगैरह, मतलब कि अगर आप CNG भी लगाते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा कमरा है, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बकाया यार इस मॉडल की जो सिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसकी शेप की वजह से। कोई कहते हैं इसकी जो छत है वो डबल रोटी की तरह की है, कुछ लोग जो है कहते हैं कि इसकी जो नाक है ये चूहे की तरह है। तो ये जो है आप कभी भी इसके पार्ट्स वगैरह लेने जाएंगे तो मार्केट में ये जो मॉडल है ये चूहा मॉडल के नाम से जाना जाता है। बकाया जो इस गाड़ी की एक और बुरी बात जो मुझे भी शुरू शुरू में जिसने बहुत अनॉय किया था वो ये है
कि इसका जो बोनट है वो बहुत ज़्यादा इस एंगल पे है कि आप अंदर बैठ के इसके बोनट आपको नज़र ही नहीं आता। आप जितना मर्ज़ी आगे होकर देख लें लेकिन आपको इसका बोनट कभी भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन बिलीव मी और नॉट, इसका बोनट बहुत ही छोटा सा है। समझ लें कि आप एक कल्टस चला रहे हैं, कल्टस से ज़्यादा बड़ा बोनट नहीं है इस गाड़ी का। चलाने में ये बिल्कुल मैन्यूवरिंग सिटी के अंदर इसकी बिल्कुल सही है, इसका टर्निंग रेडियस वगैरह बहुत मुनासिब है। तो यार इस गाड़ी के कॉमन डिफेक्ट्स में एक और भी चीज़ आपको मेंशन करता चलूं कि ये जितनी भी गाड़ियां मैंने देखी हैं ये IDSi मॉडल की, इनकी ये जो फुट बैरी का एरिया है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं मड गार्ड का एरिया, ये थोड़ा सा फ्लिमजी है। यहाँ पर आपको जंग देखने को मिलेगा। तो आपने ये जो इसकी फुट बैरी है ये पूरी की पूरी जो है, ये जो पूरी फुट बैरी है ये आपने चेक कर लेनी है, ख़ास तौर पर ये वाला एरिया। लेकिन इसके जो पिछले दरवाज़े के जो शीशे हैं वो मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं जाते। हाँ तो भाई बात कुछ ऐसे है कि मैंने ये गाड़ी 3 साल पहले 7,40,000 रुपये की ख़रीदी। उस टाइम डॉलर का रेट तकरीबन 100 रुपये के करीब करीब था, अब डॉलर तकरीबन 160 रुपये के करीब करीब है और नई होंडा सिटी की प्राइस जो है तकरीबन बेसिक वाली की 23 लाख को क्रॉस कर चुकी है। इस सिचुएशन के अंदर आपको जो मैंने गाड़ी के अंदर फीचर्स दिखाए हैं, इस गाड़ी के ऊपर अगर आप 60 से 70 हज़ार रुपया या चलें 1 लाख रुपया लगा कर भी इस गाड़ी को बना लें तो ये आपकी ब्रांड न्यू होंडा सिटी के बराबर आपको मज़ा देगी। ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान में अंडर 10 लाख आपके पास कोई अच्छी गाड़ी मौजूद ही नहीं है, सिर्फ इस सोच को लेकर अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें नई गाड़ी ही लेनी है तो यकीन मानिए कि आपको एक दफ़ा सोचना ज़रूर चाहिए इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि ये एक कंप्लीट फैमिली सेडान गाड़ी है, पूरी कंप्लीट डिक्की वाली गाड़ी है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है। 3 साल के अंदर हमें तो इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। 7,40,000 रुपये की ली थी, 10-15 हज़ार रुपया लश पश पे इसके लगाया था और आज अगर ये गाड़ी हम बेचने जाएँ तो ये गाड़ी आराम सुकून से 8 लाख रुपये से ऊपर की बिकेगी। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सी मेहरान या कौन सी वैगनार ऐसी है जो आप सेकंड हैंड लें 10 साल चली हुई और उसको बाद में आप 60 से 70 हज़ार रुपये मुनाफे में बेच सकें। तो होप्स हो कि आपको मेरी बातें कुछ ना कुछ समझ आई होंगी। यार इस गाड़ी के साथ एक इंटरेस्टिंग वाकया जो है वो मुंसलिक है, वो मैंने सोचा आपको बताता चलूँ। ये गाड़ी जब हमने न्यू ली थी, मतलब 3 साल पहले जब ली थी, तो भाई इस गाड़ी को लेके जा रहे थे, उन्होंने एक GLI के पीछे से ये गाड़ी ठोक दी थी। तो इसका फ्रंट पार्ट जो था वो GLI के पीछे जाके एज इट इज़ छप गया था और ये हमारी गाड़ी का यहाँ से आप देख सकें तो हल्की सी सील डैमेज है। ये जो है 1500 रुपये में हमने बोनट इसका सीधा करवा लिया और GLI के ऊपर तकरीबन 40,000 रुपये का ख़र्चा आया। तो आपको अगर मैं बोनट बंद करके दिखा सकूं, तो बताएं कहां से लगता है कि ये गाड़ी 1500 रुपये में ठीक हुई थी। तो ड्यूरेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू, ये गाड़ी बहुत मज़बूत गाड़ियां हैं, बिल्कुल सॉलिड मेटल हैं ये गाड़ियां।